वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स, मिसेस कोहली की तरफ से प्यार भरा नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों। एक बार मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लौकी की सब्जी। जी हाँ, जिस तरह से आज हम बनाएंगे, बच्चे तो बच्चे, बड़े तो बड़े, बच्चे भी मांग कर खाएंगे, इतनी टेस्टी बनती है। तो चलिए फिर देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, लौकी को मैंने अच्छी तरह से कट करके धोकर साफ करके पानी में डाल दिया है। वैसे तो मैंने जब लौकी, ये देखिए लौकी की सब्जी बना रहे हैं, घीये की नहीं, घीये की सब्जी भी आप इसी तरह से बना सकते हैं। जब भी आप लौकी को काटें ना, तो सीधा डायरेक्ट पानी में ही कट करें, क्योंकि ये काली नहीं होनी चाहिए। तो लौकी तो मैंने काट ली है, और साथ में चाहिए हमें प्याज, फाइन चॉप किया हुआ दो प्याज है, और दो ही टमाटर मैंने लिए हैं जिसे मैंने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है, और एक चम्मच के करीब हमें चाहिए जिंजर गार्लिक पेस्ट, आप चॉप करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये दो कटी हुई हरी मिर्च। साथ में ये देखिए मैंने लिया है बेसन, ये मैंने भून लिया है, कच्चा बेसन नहीं है, एक चम्मच के करीब बेसन लिया है, और आप इसे तवे के ऊपर भून सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने तवे के ऊपर किस तरह से भूना है। ये देखिए ड्राई रोस्ट किया है, मतलब ऑयल में इसे नहीं भूना। तो एक से डेढ़ मिनट में ये लो टू मीडियम फ्लेम पर आराम से भून लीजिए, कलर ना चेंज कीजिए, लेकिन भून लेना बहुत बेस्ट है। तो चलिए, बेसन तो हमने भून कर लिया है, तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। तो फ्लेम ऑन करके मैंने कुकर रख दिया है, कुकर में बनाएंगे हम इस लौकी को। तो डाल दिए मैंने दो तीन चम्मच ऑयल, अब डालेंगे इसमें एक चम्मच के करीब साबुत जीरा यानी कि क्यूमिन सीड्स, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा इससे। थोड़ा सा इसे फ्राई होने देते हैं ऑयल में। चलिए अब डालते हैं इसमें कटा हुआ प्याज, तो प्याज को भी चलाते हुए भूनेंगे फ्रेंड्स। फ्लेम इसकी लो टू मीडियम रखेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पर प्याज को भूनिएगा, हाई फ्लेम पर मत भूनिएगा, नहीं तो एकदम से ना कलर चेंज हो जाता है, तो प्याज अंदर से कच्चा ही रह जाता है। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर आराम से भून लीजिएगा, कम से कम दो मिनट लगेंगे। तो भून कर फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और फ्रेंड्स, जिस तरह से आज हम लौकी की सब्जी बना रहे हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, आप इसे इस तरह से जरूर ट्राई कीजिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। तो लीजिए, दो मिनट हो गए, हल्का सा कलर चेंज हो गया, इस समय हम इसमें डाल देंगे कटी हुई हरी मिर्च, साथ में ही मैं डाल दूंगी जिंजर गार्लिक पेस्ट एक चम्मच के करीब है, लीजिए मिक्स करते हैं इसे, और कम से कम एक मिनट के लिए मैं और इस प्याज और लहसुन अदरक के मसाले को भूनूंगी, ताकि थोड़ा और इसका कलर चेंज हो जाए। ज़्यादा डार्क नहीं करना है, हल्का सा गोल्डन ब्राउन आने तक हम इसे भूनेंगे। ये देखिए अब कलर इसका हल्का सा गोल्डन ब्राउन आ गया है ना, बस अब इसे ज़्यादा इसे और भूनने की ज़रूरत नहीं है। अब हम डाल देंगे इसमें हमारे ग्रेट किए हुए टमाटर, चलाएंगे इसे एक बार अच्छी तरह से, मिक्स करेंगे प्याज में, और फ्लेम अभी भी लो टू मीडियम ही है, लो टू मीडियम फ्लेम पर ही मैं इसे भून रही हूँ फ्रेंड्स। तो अब बारी आती है इसमें कुछ मसाले ऐड करने की, तो कर लेते हैं मसाले भी ऐड। ये मैंने लिया है नमक यानी कि सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग, साथ में डालेंगे एक चम्मच कोरिएंडर पाउडर यानी कि धनिया पाउडर, आधा चम्मच से थोड़ी सी कम मैंने हल्दी पाउडर लिया यानी कि टर्मरिक पाउडर, आधा चम्मच ही रेड चिली पाउडर लिया है मैंने यानी कि लाल मिर्च का पाउडर, मिक्स करेंगे। मसाले थोड़े से मैंने तेज़ रखे हैं इसमें, क्योंकि लौकी की सब्ज़ी है ना, थोड़े से मसाले तेज़ होंगे तो सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगेगी। तो भून लेंगे इस मसाले को कम से कम तीन से चार मिनट अच्छी तरह से, ताकि प्याज टमाटर सब कुछ अच्छी तरह से भून जाए, मसाला अच्छी तरह से भूनना बहुत ज़रूरी है। ये देखिए फ्रेंड्स, चार पाँच मिनट हो गए हैं मसाले को अच्छी तरह से भूनते हुए। अब साथ में ही हम डाल देंगे इसमें हमारा भुना हुआ बेसन, बेसन की जगह आप आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेम वर्क करेगा वो भी इसमें। देखिए मैंने इसमें बेसन क्यों ऐड किया है, क्योंकि इसमें जो हम ग्रेवी इसकी होगी ना, वो थिक होगी, नहीं तो कई बार ऐसी शिकायत आती है। देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छी तरह से भून चुका है, आप देख रहे हैं ना, ऑयल सेपरेट हो गया और बेसन जो है ना नीचे लगना स्टार्ट हो गया है, तो थोड़ा सा इसमें मैं पानी ऐड करूँगी। तो कई बार ऐसी शिकायत होती है कि लौकी अलग से दिखाई देती है और ग्रेवी अलग से पानी पानी सा दिखाई देता है, तो बेसन की वजह से ना वो पानी अलग नहीं दिखाई देगा, बहुत ही बढ़िया हमारी ग्रेवी बनेगी, आप देखते जाइए। तो देखिए मसाला कितना थिक हो गया है ना, आप देख रहे हैं ना, तो बस इसमें डाल देंगे हम हमारी कटी हुई लौकी। तो लौकी के पीसेस भी मैंने आप देखिए मीडियम ही रखे हैं, ना ज़्यादा छोटे हैं ना ज़्यादा बड़े हैं,
अब लौकी को भी हमें इस मसाले में कम से कम 2 मिनट भूनना है मीडियम फ्लेम पर, ताकि सभी मसालों का फ्लेवर है ना लौकी में अच्छी तरह से आ जाए। अगर इस तरह से आप सब्जी बनाएंगे ना तो आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ। तो बस 2 मिनट इसे और भून लेंगे। तो लीजिए 2 मिनट हो चुके हैं, बहुत अच्छी तरह से मैंने लौकी भून ली है। तो अब बारी आती है इसमें पानी ऐड करने की। वैसे तो लौकी में काफ़ी पानी होता है, तो लौकी हमारे लिए बेस्ट बहुत है फ्रेंड्स। गर्मियों में तो आप इसे बना बना कर रोज़ खाएं। तो मैंने आधा कप के करीब इसमें पानी ऐड कर दिया है। अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप थोड़ा ज़्यादा भी पानी इसमें ऐड कर सकते हैं, पानी ग्रेवी इसकी अच्छी बनेगी। तो बस अब इसे मैं बंद कर दूंगी और 2-3 विसल हाई फ्लेम पर लगाकर 10 मिनट इसे लो फ्लेम पर पकने दूंगी और फिर इसे हम ओपन करेंगे। तो लीजिए प्रेशर ख़त्म हो गया है और ये देखिए सब्जी देख रहे हैं ना आप, इतनी लाजवाब हमारी ये लौकी की सब्जी बनी है। मुंह में तो आ गया है पानी। और आप क्या कहते हो इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइए। ये देखिए ग्रेवी इसकी, आपको अलग से पानी दिखाई दे रहा है इसमें? नहीं दे रहा ना। वाकई ही ये बहुत टेस्टी हमारी सब्जी बनी है। डालते हैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला और साथ में ही डालेंगे इसमें कटा हुआ हरा धनिया। मिक्स करेंगे इसे अच्छी तरह से। तो मैं आपको नज़दीक से भी दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आया है। ये देखिए देख रहे हैं ना आप। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है ना तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।